क्लास थर्ड मैथ। ओके स्टूडेंट्स, हम मैथ का पोर्शन रिवाइज कर रहे हैं। पेज नंबर 8 हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया था। नाउ नंबर 22 इज इन क्या है हमारा डिवाइड। तो 3 का डिवाइड करना है, हाउ मच डिजिट इन विच डिजिट 27। तो 3 9s are 27, जस्ट डोंट राइट एज अ सेम, जस्ट राइट इन योर नोटबुक। सो जस्ट फर्स्ट यू मैंशन पेज नंबर सेक्शन 22, दैट्स 22 ना। सो एंड आफ्टर दैट कंप्लीट डिवाइड एंड फाइंड द क्विटेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, जिस तरह से आपको ये लिखा हुआ है पूरा आपको मैंशन करना है। एंड आफ्टर दैट जस्ट राइट डाउन द 3 डिवाइडेड बाई 27 है, 27 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी। तो देयर आर 3, तो जो हमारा ये आंसर आता है दिस इज अ क्विटेंट, एंड अगर यहाँ पे जो होता है दिस इज अ रिमाइंडर। ओके, तो आपको इस तरह से मेंशन करना है और यहाँ पर पूरा लिखना है। तो क्या लिखना हो, क्यू यू ओ टी आई ई एन डी क्विटेंट हो गया, और यहाँ रिमाइंडर करना आर ई एम ए आई एन डी ई आर रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है ये। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर ए, इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में सारे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट 23, तो 22 इज इन कॉपी। ओके, नाउ 23, दिस इज द सेम एज अ डिवाइड, ये भी आपका सेम डिवाइड है, इसको आपको एज इट इज करना है। आपका 9 से 36 को डिवाइड हम करेंगे, तो 9 4 36 होता है, तो आंसर इज इन 4। ठीक है, तो 9 4 आपको रिमाइंडर नहीं नोट डाउन करना है, यहाँ पे आपको क्विटेंट नोट करना है। ठीक है, द क्वेश्चन इज राइट द क्विटेंट फॉर द फॉलोइंग। सो क्विटेंट मीन्स जो आपका यहाँ पर क्विटेंट होता है, ठीक है, नॉट अ रिमेन, रिमाइंडर को रिमेन भी कहते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं बेसिकली इसको, और वैसे आप उसको शॉर्ट फॉर्म में रिमेन कहिए। ठीक है, तो रिमेन हमारा क्लियर हो गया, ये हम आप यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना क्विटेंट। ओके, सो ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं।